हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि रेविट के अंदर लिंक कैड और इंपोर्ट कैड में डिफरेंस क्या होता है। हम किसी भी चीज को लिंक करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, और इंपोर्ट करते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकली आपको रेविट में समझाता हूँ। एक्चुअल में होता है क्या है, जब हम किसी भी कैड फाइल पे काम करते हैं 3D में कन्वर्ट करने के लिए, हम इंपोर्ट कैड की हेल्प से भी कर सकते हैं और लिंक कैड की हेल्प से भी कर सकते हैं। इंपोर्ट कैड अगर आप करोगे तो कंप्लीट फाइल आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी और उसका कोई भी लिंक आपकी मेन फाइल से नहीं रह जाएगा। आप उसको यहीं पे भी एडिट कर सकते हो, उसको एक्सप्लोर करके, क्वेरी करके हाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और वो फाइल आपकी फाइल को हैवी कर सकती है अगर आपकी बहुत बड़ी फाइल है तो। बट अगर आप लिंक कैड करते हो तो होगा क्या, अगर आप अपनी मेन फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस आपके इस फाइल के अंदर भी, रेविट की फाइल के अंदर भी चेंजेस कर देगा, जिसकी हेल्प से आपका बहुत टाइम बच जाएगा अपनी चीजों को करेक्ट करने के लिए। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये है लिंक कैड और ये है इंपोर्ट कैड। हम दोनों को ही इंपोर्ट करेंगे एक फाइल को, और दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो उसके लिए मान लो मेरे पास ये ऑटो कैड की एक फाइल है, ठीक है, ये नॉर्मल सी फाइल है। मैं इस फाइल को सेव एज कर देता हूँ डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से, 30x70 फिट के नाम से मैंने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं रेविट पे जाता हूँ, क्लिक ऑन लिंक कैड, लिंक कैड पे क्लिक किया और मैं इस फाइल को यहां पे क्लिक करता हूं और इस फाइल को लिंक कर देता हूं सेम सेटिंग से कि ऑटो डायरेक्ट ऑटो सेंटर टू सेंटर, और मैं ओपन करता हूं तो मेरी फाइल यहां पे लिंक हो जाएगी। मैं इसको एक बार साइड में रख देता हूं, तो ये हो गई लिंक जिसको मैंने लिंक किया है। और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो सेम फाइल को सेम तरीके से आप इन सब सेटिंग्स को करके, ये मैंने आप पहले भी बताया हुआ, ऑलरेडी आपको पता है, मैं एज इट इज रख रहा हूँ पोजिशन ऑटो सेंटर टू सेंटर या लेवल वन पे मैं रख रहा हूँ ओपन, तो ये हो गई मेरी इंपोर्ट। अब इन दोनों फाइल में डिफरेंस क्या है, ये है लिंक और ये है आपकी इंपोर्ट। आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि ये है मेरी लिंक फाइल, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये है मेरी इंपोर्ट फाइल, ठीक है। तो ये मेरा लिंक है और ये इंपोर्ट फाइल है। तो अब इसके बाद अब मैं इसको क्या करूंगा करने के लिए, तो ये लिंक वाली फाइल यहाँ पे, इंपोर्ट वाली फाइल यहाँ पे। अब लिंक वाली फाइल में मैं क्या चीजें कर सकता हूं जो एक्स्ट्रा है इंपोर्ट से, कि अगर मेरे को लिंक वाली फाइल से, मान लो मेरे को अब ये वाली टेबल्स फर्नीचर हटाने हैं यहाँ से, ठीक है, अगर मान लो मेरे को लगा कि मेरी कैड फाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा करेक्ट करना है, कुछ लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, और मैं चाहता हूं कि ये चेंज एज इट इज मेरी रेविट की फाइल में भी हो जाए, तो वो हेल्प करेगा आपका लिंक रेविट। अब मैं क्या करता हूं, मैं मेन फाइल पे गया और मान लो मैं इन फर्नीचर्स वगैरह को, ये दो तीन फर्नीचर को यहां से डिलीट कर देता हूं। ये फर्नीचर मान लो मैंने डिलीट कर दिए, अब ये मैं चेंजेस देखना चाहता हूं अपनी रेविट के अंदर भी, तो मैं इसको अब यहां से सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव हुआ आप रेविट पे जाओ, अभी आपको यहां पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट जैसे आप इंसर्ट पे जाओगे और यहां पे एक ऑप्शन होता है मैनेज लिंक्स, और यही ऑप्शन आपको मिलेगा मैनेज पे जाके, यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज लिंक करके, यही ऑप्शन आपको इस पे क्लिक करना है। जितने भी फाइल को आपने लिंक किया है, रेविट की लिंक किया तो रेविट की नजर आएगी, आईएफसी फाइल लिंक किया तो आईएफसी फाइल, अब कैड फॉर्मेट की किया तो कैड फॉर्मेट की फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिंपली आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीलोड, क्लिक ऑन रीलोड एंड क्लिक ओके, तो आप देखोगे वो चेंजेस आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएंगे, बट इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी इंपोर्ट हो गई है अब यहां से, क्लियर है। तो ये क्या है कि आपको सिर्फ जो आपको यहाँ पे फाइल दिखाई देगी मैनेज लिंक के अंदर, वो फाइल ओनली वो दिखाई देगी जिसको आपने लिंक किया हुआ है, इंपोर्ट वाली यहाँ पे कोई फाइल नहीं दिखाई देगी, और इसी को ही हम यहाँ पे रीलोड कर सकते हैं। अगर हम इंपोर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखो दो तीन ऑप्शन, अगर आप इंपोर्ट पे क्लिक करो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, बट इस पे क्लिक करो तो आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इस पे क्लिक करके अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो ये फाइल एक्सप्लोर हो जाएगी, और आप किसी भी लाइन को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इसको छोटा बड़ा या मूव कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो, इसके डिस्टेंस वगैरह बढ़ा सकते हो,
बट आप लिंक वाली फाइल को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ये वाला डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। आप इसको सिलेक्ट करके, मान लो अब आपने एक्सप्लोर कर दिया, इसको क्लिक करके क्वेरी कर सकते हो कि आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करो, उसके बारे में प्रॉपर्टी जान सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसको, उस लेयर को अंडू कर सकते हो, सिलेक्ट करके दोबारा क्वेरी करके इस पे क्लिक करके आप हाइड कर सकते हो उस लेयर को, या फिर वो तो आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके भी कर सकते हो कि वीजी पे आप जाओगे इंपोर्टेड कैटेगरी में, तो एक फाइल लिंक वाली है, एक फाइल ये आपकी नॉर्मल वाली है, यहां से भी आप अपनी चीजों को हाइड कर सकते हो जो आपकी लेयर है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। तो ये डिफरेंस है आपका लिंक करने में और इंपोर्ट करने में। तो लिंक जब करोगे तो आपकी फाइल का ज्यादा स्पेस वो नहीं लेगा, आप तो सेव करके देख सकते हो अपनी फाइल को। लिंक वाली फाइल में आपका जो MB रहेगा, जिस जितने साइज की आपकी फाइल रहेगी वो कम रहेगी, और इम्पोर्ट वाली फाइल में वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे इम्पोर्ट हो गई है, अब ये रेविट का पार्ट बन गया है, उस फाइल से इसका कोई लिंक नहीं है। तो ये था लिंक और इम्पोर्ट में डिफरेंस। तो ये आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले अगर बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो दीपक वर्मा के नाम से, जहां पे आप हमारे ऑनगोइंग कोर्स है रेविट के, मैक्स के, स्केचअप के ज्वाइन कर सकते हो। आईफोन यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें, ODIMM मेरा जो कोड है वो आप यूज कर सकते हैं, वरना आप स्टोर पे जा सकते हैं तो इतने सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अभी मैक्स का है, रेविट का है, कल से स्टार्ट हुआ है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंटीरियर का आपका 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है बैच 6, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मेरी साइट विजिट कर सकते हैं dpkvarma.in जाके, और यहाँ पे भी आप स्टूडेंट लॉगिन करके अपनी सारी चीजों को वेब के ऊपर देख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।